हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस लाइट को। इसके अंदर आप 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट तक ले सकते हैं। तो इसे किस तरीके से बनाया जाता है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल है, मेरा नाम है अमित। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको चेक करा देते हैं हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए आपको चेक करा देते हैं। इसमें पावर सप्लाई भी आ चुका है, यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइट भी जला सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका रोशनी भी है, से आप रात में इसको लाइट भी जला सकते हैं। इससे हम फ़ोन भी चार्ज करके आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ से फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोन है, देख सकते हैं हमारा चार्ज भी होने लगा, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसे किस तरीके से हम बनाएंगे इस वीडियो में आप बने रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड, इसी से हम बनाने वाले हैं हमारा बैटरी चार्जर। एक जगह से आपको 5 वोल्ट मिलेगा, एक जगह से आपको 10 वोल्ट मिलेगा, एक जगह से आपको 15 वोल्ट मिलेगा। इसे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, इस एलईडी को 12 वोल्ट की एलईडी इसे भी जला सकते हैं। इन सभी चीज़ों का कनेक्शन किस तरह करना है इस वीडियो में मैं आपको विस्तारपूर्वक समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसका कनेक्शन हम समझ लेते हैं, इसको किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। हमारा चार्जर का सर्किट है जो 5 वोल्ट का होता है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका एक बार आपको डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए, हमारा यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा आउटपुट, यहाँ से हमारा 220 वोल्ट देना है एसी, और यहाँ पे हमारा डीसी निकलेगा। इससे कनेक्शन हमें किस तरीके से करना है, जो हमारा 220 वोल्ट का जो कनेक्शन है जो यहाँ पे हमें देना है 220 वोल्ट, इसका तीनों काम ये सेम कनेक्शन कर देना है। इसका दो वायर लिया के यहाँ पे जोड़ देना है, उसके बाद दो वायर इसका लिया के यहाँ पे जोड़ देना है, इसका सेम कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ से 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 15 वोल्ट मिलेगा। तो इसका जो इधर प्लस है, जो इसका प्लस है माइनस है, इसका प्लस है इसका माइनस है, इसका प्लस है इसका माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका माइनस है इसको लिया के हम प्लस में मिला देंगे। तो हमारा यहाँ पे प्लस निकलेगा वायर, एक यहाँ पे हमारा माइनस निकलेगा। तो इन दोनों को मिला के हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट बनेगा। और उसके बाद 15 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे एक प्लस निकला हुआ है, जो माइनस हमारा यहाँ पे है इसे हम लिया के प्लस पे जोड़ देंगे। तो एक यहाँ से हमारा माइनस का वायर निकल गया, एक यहाँ से हमारा प्लस का वायर निकल गया, तीन तीनों का मिला के हमारा यहाँ पे 15 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो चलिए हम उसका कनेक्शन कर देते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहले इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे रख देना है। इसका पहले 220 वोल्ट का जो कनेक्शन है उसे हम 220 वोल्ट का कनेक्शन कर देते हैं। हम कनेक्शन कर लेते हैं इसका। देखिए, हमारा एक यहाँ पे प्रिंट है, एक यहाँ प्रिंट है, इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इन दोनों में हम कनेक्शन करेंगे इसका 220 वोल्ट का। अब इसको लिया के हम यहाँ पे सेम तरीका से इसको भी यहाँ पे सोल्ड कर देना है। हमारा दो का कनेक्शन हो चुका है, अब हम तीसरा का भी सेम उसी तरीका से कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हो गया, अब सेम तरीका से हम इसको लिया के यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे। देख सकते हैं कनेक्शन करना बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं।
मन में कोई डाउट रहेगा फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा। देखिए मैंने कुछ इस तरीक़े से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब 220 वोल्ट देने के लिए आप कहीं से एक जगह से उठा के इसको 220 वोल्ट देंगे, वोल्ट इसका पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब इसे हमें काम सप्लाई अब आउटपुट लेना है 5 वोल्ट, उसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं 5 वोल्ट का। हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्लैक पट्टी है हमारा माइनस हुआ, इधर का प्लस हुआ है। तो एक यहाँ पे हमारा प्लस लगेगा, एक यहाँ पे हमारा माइनस लगेगा। तो पहले से पहले मैं माइनस का कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। हमारा इसका माइनस का कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, जो इसका प्लस है इसका हमें लिया के यहाँ पे प्लस पे जोड़ देना है, उसका माइनस लिया के हमें यहाँ पे प्लस पे जोड़ना है, ये याद रखिएगा। देखिए मैंने इसका कुछ इस तरीक़े से इसका प्लस उठा माइनस उठा के यहाँ पे मैंने प्लस का कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे हमारा प्लस का बच रहा है और जो हमारा माइनस का है इसे माइनस को उठा के यहाँ पे हमें प्लस दे देना है, तो इसका भी हम चलिए दे देते हैं। जो हमारा माइनस है इसे इसका हम प्लस पर कनेक्शन कर देंगे, जो हमारा प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। आप यहाँ पे भी इसको जोड़ सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, यहाँ से आपको प्लस मिल जाएगा, यहाँ से आपका आपको माइनस मिल जाएगा, आपका 15 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हम प्लस का वायर यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। कि मैंने यहाँ से प्लस का इसका कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे हम माइनस का कनेक्शन कर लेंगे। हम यहाँ पे इसका माइनस दे देंगे, यहाँ पे मेरा माइनस का भी कनेक्शन हो चुका है, माइनस जा रहा है इधर, यहाँ से हम माइनस ले लेंगे आई हमारा प्लस, तो इसका भी हम कनेक्शन चलिए कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी इसका सोल्ड कर दिया है, तो मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। यहाँ से आपको 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से आपको 15 वोल्ट मिलेगा। इसे लगाएंगे 5 वोल्ट के लिए जो फोन मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो इसका भी इसके लिए हम यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा 5 वोल्ट के लिए जो इसको हमें सप्लाई देना है उसके लिए भी हम यहाँ पे वायर कनेक्ट कर चुके हैं, हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है। अब साइड में रख देते हैं और जो हमारा ये इसे भी हम कनेक्शन कर देते हैं। हमारा सर्किट यहाँ पे लगाना है, इसको हम सर्किट यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद जो हमारा एक चार्जर के लिए लगाना है मोबाइल चार्ज के लिए, उसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। मैंने एक होल्ड कर चुका था पहले से, देखिए मैंने इसको यहाँ चिपका देंगे, अपन जगह से निकले ना। मेरे पास फिलहाल में स्क्रू नहीं है मेरे पास, इसको भी हम चिपकाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा एलईडी है इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको भी यहाँ पे हम चिपका देते हैं इस तरीक़े से। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे चिपका देते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है, अब इसका भी हम वायर जोड़ लेते हैं। चलिए मैं एलईडी का इसका भी वायर कनेक्शन कर देते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस में। यहाँ पे हमारा प्लस है,
इसका भी हम कुछ सेम तरीका से इसका भी कनेक्शन करना है, प्लस देखकर माइनस को देखते हुए। तो हमारा ये भी हो चुका है कि मैंने कुछ इस तरीके से इसका वायर डाल दिया है। एक वायर यहाँ से हम कट कर लेंगे, जो स्विच लगाएं इसके लिए, जो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। एक वायर यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। कि मैंने कुछ इस तरीक़े से मैंने इसको भी जोड़ लिया है। उसके बाद हमारा मेन सप्लाई के लिए वायर हमें लगाना है, 220 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे उसको लगा लेंगे। एक वायर हमारा यहाँ पे लग चुका है, हम एक वायर जो हमारा है सीधा वो 220 वोल्ट के लिए जो मैंने वायर कनेक्ट किया है वहाँ पे लगेगा। जो आप देख रहे हैं हमारा एक कहीं पर भी एक कनेक्शन आप यहाँ पे वायर जोड़ सकते हैं 220 वोल्ट के लिए, कि यहाँ पे मैं यहाँ पे सोल्ड कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा सोल्ड हो चुका है। एक जो स्विच के लिए हम लगाएं इसका एक वायर यहाँ से ले आके हम यहाँ पे इसको सोल्ड कर देंगे। तो उसको मैं इसको अभी कनेक्शन कर देता हूँ। एक वायर हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। कि मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा एलईडी का जो वायर हमारा है प्लस माइनस उसका भी कनेक्शन, मैंने यहाँ पे प्लस का कनेक्शन कर दिया और यहाँ हमारा जो माइनस का कनेक्शन है हम यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से मैंने माइनस का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब हमारा दो वायर बच रहा है जो चार्जिंग के लिए, जो मोबाइल चार्ज के लिए, तो इसका हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। एक इधर हमारा प्लस इधर माइनस, इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इसका भी हम प्लस और माइनस कनेक्शन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसका भी कनेक्शन कर दिया। अब इसे हम क्या करना है, इस बॉक्स में से हम इसको फिट कर देना है। तो चलिए इसको हम इस बॉक्स में भी फिट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इसको अंदर चिपका लिया है। एक लीडी मैंने एक यहाँ से बाहर निकाला, जो कि हमारा इसके अंदर जो सप्लाई आएगा हमें पता चल जाएगा इसके अंदर सप्लाई आ चुका है। तो हम अब क्या करना है, जो इसका 220 वोल्ट का जो मेन वायर है इसको भी हम यहाँ पे छोटा सा होल करके उसके वो उसको बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। दो जो हमारा 220 वोल्ट के लिए जो मेन सप्लाई का वायर से मैंने यहाँ से छोटा सा होल करके इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये वायर है इसको हम इसको चलिए बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से फोन ऑफ भी कर सकते हैं। आई लाइट के लिए जो लाइट आपको जलाना है तो आप जला भी सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर सप्लाई आ चुका है, यहाँ से बंद करने पर बंद हो जा रहा है, फिर ऑन करने के बाद इसका सप्लाई हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इसका आपको वोल्ट भी हम चेक करा देते हैं, 12 वोल्ट के करीब के आसपास आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट, चलिए हमारा ठीक है। यहाँ पे हमारा 11.3554 आ रहा है। उसके बाद यह हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 17 वोल्ट 18-19 पॉइंट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। इस तरीके से आप करके इसे बना सकते हैं, इससे आप फोन भी चार्ज कर सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। इसका लाइट भी देखिए, यहाँ से आप लाइट जलाना तो लाइट भी जला सकते हैं।
कुछ इस तरीके से आपका लाइट भी काम कर रहा है, देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।